Hello friends, welcome to SSC Veda. How are you all? आपने लास्ट लेक्चर में मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो दी थी आप लोगों को. आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी अगर अभी तक भी दोस्तों, तो देख लो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, प्लीज़ पढ़ लो. हाँ, कंडीशनल की वीडियोस मैं आपको दे चुकी हूँ, उसमें सारे रूल्स मैंने कवर करे थे, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो गई थी. देखो दोस्तों, या तो मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस दूं जैसे और लोग देते हैं वीडियोस शॉर्ट शॉर्ट, पर उसका कोई पॉइंट नहीं है. अगर पढ़ना है तो वीडियो ऐसी ही देती हूँ कि टॉपिक ख़त्म हो. टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस की लेंथ होती है. किसी वीडियो की लेंथ छोटी है तो वो टॉपिक उतने में ख़त्म हो जाएगा. अगर बड़ी भी रख रही हूँ तो आप उस वीडियो को देखें. देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे टेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस ख़त्म हो चुका है. हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे जाके वीडियो सारी सीक्वेंस में है, देख सकते हैं. 14-15 वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी. और वैसे अब क्वेश्चन टैग स्टार्ट होना है और उसके बाद कंजक्शन होना है, फिर प्रीपोजिशन. लेकिन दोस्तों, प्रीपोजिशन इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट और इतना इम्पॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. आजकल तो प्री में आपकी दो दो सेंटेंस फिलर्स ना सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन या फ्रेजल की होती हैं. दो तीन में से दो तो यही हो गई, और ये दो गलत तो समझ लो चार नंबर तो यहीं पे एकदम हम लोग अपने लूज कर देते हैं अपने मार्क्स. तो मैंने इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान रखते हुए सोचा कि प्रीपोजिशन कुछ इस तरह से कराया जाए अपने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने एस्पिरेंट्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ना तो उन्होंने आज तक ऐसा प्रीपोजिशन पढ़ा हो. और हाँ, अब इसको देख के बहुत से टीचर्स पढ़ा लेंगे नो डाउट, और मैं बिल्कुल खुशी से कह सकती हूँ ये, बिकॉज मुझे पता है मैं जो पढ़ाऊँगी वो बेस्ट होगा. तो दोस्तों, प्रीपोजिशन काफ़ी बड़ा है. मैं प्रीपोजिशन में सिर्फ आपको ये नहीं कह रही कि मैं इन ऑन द ये सब बता के आपको बस एग्जाम्पल दो दो करा के काम ख़त्म कर दूंगी. नहीं, वो तो सब बताऊंगी ही. वो 40-45 जो बेसिक प्रीपोजिशंस हैं वो तो बतानी ही हैं आपको. उनके एग्जाम्पल भी एक दो नहीं, हर किसी पे 10-10 कम से कम. साथ में हर वर्ड उसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगती है और उसका कैसे यूजेस होता है और क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, ये भी आपको बताना है. अगर प्रीपोजिशन ही आपको ढंग से पढ़ाया जाए तो सिर्फ 1 महीने का टाइम लगेगा. तो मैंने सोचा कि ठीक है, चैप्टर्स आपके चलते रहेंगे, पर मैं बीच बीच में आपको प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट्स देती रहूंगी, ताकि एक साथ सारी चीज़ें प्रीपोजिशन चलेगा तो बोर भी नहीं होंगे बाद में. तो अभी मैं क्वेश्चन टैग की वीडियो अब कल से जो वीक आ रहा है उसमें दूंगी, लेकिन आज मैं एक प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ. बीच बीच में जब तक प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं होता, क्वेश्चन टैग और प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग और कंजक्शन के साथ आपका प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे. कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट हम इस पर करेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन हर किसी में होंगे. ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन की. सिर्फ प्रीपोजिशन ही नहीं, आपकी इसमें फ्रेजल भी कवर होंगी दोस्तों. सुन लो, फ्रेजल भी कवर होंगी, प्रीपोजिशन भी, सभी प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, जो भी आप सोच लो सब इसमें कवर होगा. मिस मत करना, सभी को शेयर करना. देखो, मिस किया तो भी पाप है और शेयर नहीं किया तो भी पाप है. शेयर नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही है मुझे क्या होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे. बार बार कंटिन्यू रहेगी सीरीज, शेयर करोगे, लाइक करोगे और अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली आपको, तो आप लाइक करोगे ही. तो ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट प्रीपोजिशन का पहला आज. और बीच में मत छोड़ना, पूरा देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया सिखा रही हूँ. और रट्टा भी नहीं मारना, लेकिन इतना बार पढ़ा दूंगी कि दिमाग में छप जाएगा. और बोलो मेरे साथ, बोलते जाना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप भी बोलो, तभी आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा, समझ भी आएगा. तो ठीक है, पहला, दे ऑट टू बी हेयर बिफोर नाउ. देखो, वो ऑट टू बी मतलब होने चाहिए थे यहाँ पर, बिफोर नाउ, नाउ मतलब अब से पहले. तो देखो, बिफोर, बिफोर के बाद क्या होता है, अगर नाउ लग जाए ना, देखो दोस्तों, नाउ लग जाए ना तो उसके पहले कभी बिफोर नहीं लगता. रूल, दिस इज अ रूल. रूल की तरह मत याद करो, ऐसे ही याद कर लो. रूल बोल के खुद को डराओ मत. नाउ और देन के पहले कभी भी बिफोर नहीं लगता. रिपीट विद मी, नाउ और देन के पहले कभी भी बिफोर नहीं लगता. तो दे ऑट टू बी हेयर बिफोर नाउ, बिफोर नाउ नहीं होता, बाय नाउ होता है. पता ही है आपको, बाय नाउ, बाय देन होता है, हम यूज़ करते हैं. मैंने आपको टेंसेस में बताया था. तो दे ऑट टू बी हेयर बिफोर नहीं होगा, बाय होगा. अब ये हो गया करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नोन अबाउट चैरिटी. नोन, चैरिटी यानी कि दान के लिए वो जाना जाता है, तो अबाउट नहीं होगा, फॉर होगा. ही इज नोन फॉर. देखो दोस्तों, प्रीपोजिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत काम आएगी ये, ऐसे छोटे छोटे प्रीपोजिशन एरर्स में तो ऐसे ही आप ऐसे ही बना दिया करोगे.
जब भी आपका ना सेंटेंस में कोई सवाल हो और उसका उत्तर आ रहा हो तो हम हमेशा उसका फॉर लगाते हैं, यानी कि जब कारण बता रही हो कोई चीज़ तो फॉर लगाते हैं। जैसे जब वेन वर्ब आंसर्स वाई, जब आपकी वर्ब आंसर करती है कि क्यों, तो फॉर प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, वो क्यों जाना जाता है, तो वो चैरिटी के लिए जाना जाता है। तो इसकी किसी चीज़ का जवाब है, किसी चीज़ का कारण है, तो अबाउट की जगह क्या होगा, फॉर। देखो तो क्या सवाल बनता था, वाई इज़ ही नोन, ही इज़ नोन फॉर चैरिटी, ये फॉर अब करेक्ट है। तो जब भी किसी सवाल का जवाब हो तो हम फॉर लगाते हैं, बहुत काम आएगा, हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, लाइक अ लॉज ऑफ मोशन की तरह। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, द डॉग रैन थ्रू द रोड। देखो डॉग भागा रोड के, अब इधर से उस तरफ भागा, एक तरफ से उस तरफ भागा, यही मतलब है इसका। तो देखो क्या होगा, थ्रू द रोड होगा, नहीं थ्रू नहीं होगा, क्या होगा, अक्रॉस होगा। देखो क्यों होगा, अक्रॉस क्या होता है, अगर इस पार से उस पार जाना। देखो प्रीपोजिशन जब प्रॉपर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये सारे एक एक करके बताऊंगी, लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, ऊपर से बता रही हूँ, ये मत सोचना कि मैंने मिस किया, मैं मिस नहीं कर रही, समझाऊंगी बाद में भी। देखो अगर किसी रोड का नाम दे रखा है, किसी रोड का अगर क्या दे रखा है, नाम, जैसे कोई भी रोड, अंधेरी वेस्ट जैसे रोड का नाम है, अंधेरी वेस्ट है रोड का नाम, तो अगर रोड का नाम, किसी रोड का नाम स्पेसिफाई है तो उसे पास करने के, अगर हम उसके थ्रू जाते हैं तो हम थ्रू वर्ड यूज़ करते हैं कि आई वॉज पासिंग थ्रू अंधेरी वेस्ट। लेकिन अगर सिर्फ हमें रोड स्पेसिफाई नहीं करी, सिर्फ रोड लिख दिया या गली लिख दी, तो थ्रू नहीं होता, अक्रॉस होता है। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसी ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, पर यहाँ पे मैं बताऊंगी और बिल्कुल एकदम सटीक करेक्ट करके आओगे एक ही बार में। तो क्या होगा, द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, और अगर रोड का नाम होता तो थ्रू होता। ठीक है अगले पे आते हैं, ही ब्रोक द कप इन 100 पीसेस, उसने कप तोड़ दिया 100 टुकड़ों में। देखो अब यहाँ इन नहीं होगा, इन की जगह क्या होगा, इनटू होगा। इनटू क्या होता है, देखो इनटू ना जब कोई सी चीज़ की स्टेट चेंज हो जाए तो इनटू यूज़ करते हैं, स्टेट क्या हो जाए, चेंज। पहले ये कप था सुंदर सा, अब टुकड़े टुकड़े हो चुका है, ये अलग अलग टुकड़े हो गए इसके, इसकी स्टेट चेंज हो गई, अब पहले जैसा नहीं है ना ये, तो इनटू हो जाता है। इन की जगह क्या लगता है, इनटू। देखो इसके जैसे इनटू से क्या मैं बता सकती हूँ, अगर ब्रेक आउट होता, ब्रेक या ब्रोक आउट होता, तो मतलब जैसे कोई महामारी फैल जाती है तो कहते हैं ये महामारी फैल गई, ब्रोक आउट हो गई। लेकिन अगर हम ब्रेक इनटू कहते हैं तो मतलब किसी को टुकड़े में, अलग अलग टुकड़ों में कर देना, उसको स्कैटर कर देना, उसको डिवाइड कर देना, तो ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो फ्रेजल भी आपका हो रहा है इससे और प्रीपोजिशन तो हो ही रहा है। नेक्स्ट, द मैन लेबर्ड लेबर्ड टू गुड द मैन लेबर्ड टू गुड रिजल्ट्स, मैन ने मेहनत करी गुड रिजल्ट्स के लिए, किस लिए मेहनत करी, गुड रिजल्ट्स के लिए। क्वेश्चन का जवाब है तो टू नहीं होगा, फॉर होगा, ऊपर बताया था अभी कि जब सवाल का जवाब हो, कारण हो, तो फॉर लगाते हैं, तो अब ये हो गया करेक्ट। अगला, आई वॉज ऑन बेड वेन ही टेलीफोन मी, मैं बिस्तर पे था जब उसने मुझे फ़ोन लगाया। तो अक्सर आप लोग पढ़ाई करके जब घर जाते हैं तब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं, तो आराम से लेट कर लगाते हैं ना, तो ऑन नहीं होता, जब आराम से लेट कर कोई चीज़ करो तो इन, मतलब बिस्तर में इन घुस के, एकदम घुस के रजाई में बैठ के करते हो ना फ़ोन, आराम तलब हो के, तो इन। देखो जब भी आपकी रीढ़ की हड्डी, ऐसे समझ लो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे अगर सीधी है तो ऑन लगेगा, और रीढ़ की हड्डी पड़ी है बिस्तर पे लेटी हुई आराम से, तो इन होगा, ऐसे याद करो, क्योंकि इन मतलब वी आर रिलैक्स्ड एंड ऑन मतलब हम सिटिंग पोजीशन में हैं, बड़े ही अलर्ट पोजीशन में हैं। तो अगर बेड, सोफ़ा या आर्म चेयर, देखा ना वो झूले वाली चेयर जो होती है उसमें तो आराम से बैठते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड आराम करती है, तो इन लगता है। लेकिन अगर मैं कहती सिट ऑन चेयर, आई सिट ऑन चेयर वाइल स्टडिंग, तो मैं पढ़ते वक्त चेयर पे सीधी पोजीशन में बैठती हूँ, तो ऑन लगेगा, तो इसलिए आई वॉज इन बेड होगा, यहाँ ऑन नहीं होगा, और मुझे लगता है कि अब आप भूलेंगे भी नहीं, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या कहता है, ही ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर्स फॉर 2 आवर्स, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर मैंने क्या कहा था, कारण के लिए होता है, होता है, या फिर आपको एक और पता है टेंसेस में सिंस और फॉर कब यूज होता है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, कि मैं इतने काम से, इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ या कर रहा था,
अब यहाँ पे ही ट्रेवल्ड है, ये तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इनडेफिनेट है, तो यहाँ फॉर का तो बनता ही नहीं मतलब, और ना ही ये कारण है, तो फॉर नहीं होगा, इन हो जाएगा। ही ट्रेवल 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, उसने 2 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब ये हो गया करेक्ट। आई होप समझ आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट कर सकते हैं, अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और शेयर करें, शेयर करें प्लीज़, शेयर करें, सबको शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ कि यार पढ़ो, बस पढ़ो आप लोग, हम यहाँ बैठे हैं पढ़ाने के लिए, बस आप पढ़िए। नेक्स्ट पे आते हैं, द चाइल्ड इज़ एंडॉव्ड बाय टैलेंट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। बच्चे के पास एक ऐसा टैलेंट है, एंडॉव्ड माने गिफ्टेड है, जैसे भगवान से पास से लेके आया है, इनबॉर्न है उसके अंदर। क्या टैलेंट? ऐसा टैलेंट जो बहुत ही मुश्किल है पाना, डिफ़िकल्ट टू फाइंड। तो देखो एंडॉव्ड के साथ रट्टा मारो, अब ये रट्टा मारना है, एंडॉव्ड विद, एंडॉव्ड विद, ऐसे बार बार बोलो एंडॉव्ड विद, एंडॉव्ड बाय कभी नहीं होता, एंडॉव्ड विद मतलब गिफ्टेड है किसी चीज़ से। तो द चाइल्ड इज एंडॉव्ड विद टैलेंट डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी फॉर प्रेज। देखो वर्दी मतलब लायक है किसी चीज़ के प्रेज करने के, यानी कि तारीफ करने के लिए, ये आर्ट का जो पीस है, ये आर्ट का जो कार्य है, बहुत ही प्रेज करने लायक है। तो वर्दी फॉर प्रेज नहीं होता, क्या होता है? वर्दी ऑफ प्रेज होता है, वर्दी ऑफ प्रेज। देखो क्या होता है, वर्दी के साथ ऑफ लगता है तो नाउन लगे, नाउन लगता है, तो प्रेज क्या है अब आपका? वर्दी ऑफ प्रेज इसलिए यहाँ पर हुआ, ठीक है। वर्दी अगर वर्दी के साथ टू लगाती मैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती, जैसे कैसे, इज इट वर्दी टू आस्क, देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस, क्या ये पूछने लायक है चीज़, इज इट वर्दी टू आस्क दिस फ्रॉम हर या विद हर, तो यहाँ पर क्या आपका लगेगा, वर्दी के साथ टू लग गया। और देखो वर्ड के साथ जिरंड भी लगता है, लेकिन देखो यहाँ वर्ड के बाद वाई नहीं है, कन्फ्यूज मत होना, वर्ड, तो इज़ इट वर्ड डूइंग, क्या ये करने लायक है कार्य जो हम कर रहे हैं, इज़ इट वर्ड स्टडिंग, क्या पढ़ने लायक है ये चीज़। तो क्या हुआ, वर्दी के मैंने आपको दो बताए और वर्ड का एक बताया, वर्दी ऑफ के साथ नाउन लगता है, वर्दी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ड के साथ जिरंड, तो आप समझ गए यहाँ वर्दी ऑफ प्रेज होगा, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव मतलब हमारे हमारे पक्ष में नहीं है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पक्ष मतलब हमारे प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मतलब है इसका, हमारे अनुकूल नहीं है। तो देखो कंड्यूसिव के साथ क्या लगता है, हमेशा टू लगता है, कंड्यूसिव फॉर नहीं होता, कंड्यूसिव टू होता है। देखो क्यों होता है इसको, अब जैसे मैंने फॉर के लिए रूल बताया था ना कि कभी भी कारण हो, ऐसे ही टू के लिए भी कर लो, ये टू और फॉर ऐसी प्रीपोजिशन है ना जाने कितनों के साथ लगती हैं, प्रीपोजिशन चैप्टर में आप देखोगे इतने वर्ड्स हैं इसके साथ टू और फॉर के। तो टू कब लगता है, जब हम किसी को हेल्प जाती है ना, व्हेन हेल्प गोज टू समवन, तो हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, टू। तो देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव माने प्रॉफिटेबल, लाभदायक, तो लाभदायक है, किसी को हेल्प जा रही है तो क्या होगा, टू होगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, वरना कंड्यूसिव टू भी याद कर सकते हो, कंड्यूसिव टू होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही एक्सीडेड विद माई प्रपोजल। ही एक्सीडेड, उसने एक्सीड कर लिया मेरा प्रपोजल। अब देखो एक्सीडेड विद नहीं होता, क्या होता है, एक्सीडेड टू, देखो ऐसे याद करो, एक्सीडेड टू समथिंग, एक्सीड टू समथिंग, कुछ स्पेसिफिक प्रिपोजिशंस ऐसी हैं जिनको हम इस तरह से याद कर लेते हैं, ऐसी एग्री विद समवन टू समथिंग, देखो एग्री विद समवन, किसी से एग्री करना, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, तो आई एम एग्री टू यू नहीं होता, आई एग्री विद यू, और टू समथिंग, आई एग्री विद यू टू टू दिस थिंग, मैं ये कह सकती हूँ ऐसे, ऐसी एक्सीडेड टू समथिंग होता है, समथिंग के साथ हमेशा टू ही लगता है, एक्सीड टू समथिंग, एग्री टू समथिंग, और पर्सन के लिए विद लगता है, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, अगर यहाँ पर मी होता तो ही एक्सीडेड विद मी हो जाता, विद मी करेक्ट था, पर्सन के साथ विद ठीक है, लेकिन थिंग के साथ क्या होगा दोस्तों, टू ही होगा, ठीक है, भूलना नहीं, एग्री एंग्री, ऐसी एंग्री भी होता है, एंग्री विद समवन, एंग्री टू समथिंग या एंग्री अबाउट समथिंग होता है, ठीक है, वो जब रूल आएगा तब मैं एंग्री के भी बताऊंगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हैव यू सब्सक्राइब टू,
सब्सक्राइब्ड फॉर एसएससी वेदा चैनल। अभी भी आपने एसएससी वेदा को सब्सक्राइब किया है या नहीं? अरे अब नहीं किया तो अभी भी कर लो यार, कब तक नहीं करोगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो आती ही है। हैव यू सब्सक्राइब्ड? अब देखो फॉर नहीं होता, सब्सक्राइब टू होगा। क्यों होगा? टू के साथ मैंने क्या बताया, जब किसी को हेल्प जाती है तो टू लगाते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपकी हेल्प होगी, आपको बेनिफिट होगा, आपके इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होंगे, चाहे दो चार पाँच अलग अलग हो सकते हैं, जिसको जितना भी इंप्रूवमेंट हो, लेकिन इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो सब्सक्राइब के बाद क्या लगेगा? टू लगेगा। तो हैव यू सब्सक्राइब टू, देखो मैं कहती हूँ ना सब्सक्राइब टू अवर चैनल, तो टू ही लगता है, कभी भी फॉर नहीं सुना होगा आपने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आभा वॉज बॉर्न फ्रॉम हम्बल पेरेंट्स। आभा बॉर्न, अब क्या है हम्बल पेरेंट्स, यानी कि हम्बल पेरेंट्स की बेटी है वो। तो देखो बॉर्न फ्रॉम नहीं होता, बॉर्न ऑफ होता है, बॉर्न ऑफ समवन, और बॉर्न इन रिच फैमिली। देखो बॉर्न ऑफ मतलब किसी का, मतलब बॉर्न ऑफ समवन मतलब बॉर्न ऑफ पेरेंट्स मतलब क्या, उसका बेटा, उनका बेटा है या उनकी बेटी है। तो बेटा या बेटी को दर्शाने के लिए हमेशा बॉर्न के साथ क्या लगाते हैं? ऑफ। और अगर कहते हैं ही इज बॉर्न इन पुअर फैमिली, बॉर्न इन रिच फैमिली, ठीक है, तो इन लगता है, ऐसे याद कर ले। नेक्स्ट, ही स्कॉफ्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। स्कॉफ्ड एट, ही स्कॉफ्ड, अब देखो यहाँ ऑन लगा है, स्कॉफ के साथ क्या होता है? एट होता है। स्कॉफ एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की आइडिया पे वो स्कॉफ हो गया, एकदम हंसने लगा। तो क्या हो गया, देखो स्कॉफ के साथ आपका क्या होता है? एट लगता है हमेशा, जैसे मॉक एट, लाफ एट, इन सब के साथ आपका क्या लगता है? एट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एस एस सी इसी को ही करेक्ट मानती है। ही स्कॉफ्ड एट आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, ही मॉक्ड एट आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, ही लाफ्ड एट आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, तो इनके साथ एट लगता है हमेशा। नेक्स्ट पे आते हैं, द सॉयल ऑफ मुंबई इज फेवरेबल फॉर रोजेस। जो मुंबई का सॉइल है वो रोज़ेस के लिए फेवरेबल है। अब फेवरेबल फॉर नहीं होता, फेवरेबल टू होता है। क्यों? क्योंकि रोज़ेस को जा रही है हेल्प, मैंने क्या कहा था हेल्प के लिए टू, तो द सॉइल ऑफ मुंबई इज़ फेवरेबल टू रोज़ेस। देखो दोस्तों जो रूल मैंने बताया वो वैलिड भी हो रहा है हर जगह, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इट्स यूनिवर्सल। और देखो, वी मस्ट नॉट कार्प विद एरर्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अब देखो, वी मस्ट नॉट कार्प क्या है दोस्तों, वी मस्ट नॉट कार्प विद द एरर्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। कार्प माने क्या होता है? कार्प माने चै चै करना, कंप्लेन करना। तो हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी गलतियों को हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए बार बार। कार्प माने बार बार कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, कार्प के साथ विद नहीं होता, कार्प एट होता है, कार्प एट समथिंग या कार्प अबाउट समथिंग। ठीक है, जैसे लाफ एट था, मॉक एट था, ऐसी कार्प एट था मतलब कंप्लेन करना, लाफ इट मतलब हंसना, तो ऐसी बुराइयां करने में एट एट लगाया है, देख रहे हो। और देखते हैं आगे, नेक्स्ट, नरसिम्हा राव इज डिस्टिंग्विश्ड इन इन द कार्टून्स फॉर हिज पाउट। देखो नरसिम्हा राव अपने कार्टून्स में कैसे डिस्टिंग्विश है, कैसे पृथक है, फॉर हिज पाउट। पाउट आजकल पता ही है, किस का से साइन हवा में जो फ्लाइंग किस देते हैं उसे बोलते हैं पाउट, ठीक है। तो अब डिस्टिंग्विश इन नहीं होगा दोस्तों, डिस्टिंग्विश फॉर होगा। देखो डिस्टिंग्विश फॉर माने क्या होता है, रिकॉग्नाइज बाय एक्सीलेंस। अगर किसी चीज़ में आपको ख्याति हासिल है, आप निपुण हो, तो डिस्टिंग्विश फॉर, ही इज डिस्टिंग्विश फॉर फॉर राइटिंग एक्सीलेंट पोएम्स। चेतन भगत इज डिस्टिंग्विश फॉर राइटिंग नॉवेल्स। तो जिस चीज़ में आपको आपको महारत हासिल है, उसके लिए डिस्टिंग्विश फॉर होता है। और डिस्टिंग्विश बाय मतलब फिजिकल अपीयरेंस से, कि अगर मैं बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहन के किसी पार्टी में जाती हूँ, तो आई एम डिस्टिंग्विश बाय माई ड्रेस। तो एक फिजिकल अपीयरेंस जो मेरी है, उससे मैं डिस्टिंग्विश होंगी। तो डिस्टिंग्विश इन नहीं होता कभी भी, डिस्टिंग्विश फॉर होता है या डिस्टिंग्विश बाय होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इन की जगह क्या होगा, डिस्टिंग्विश फॉर होगा। अब ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, पतंजलि इज एन अथॉरिटी फॉर संस्कृत ग्रामर। अब देखो पतंजलि जो है वो संस्कृत ग्रामर की भी अथॉरिटी है, ठीक है, संस्कृत ग्रामर की। अब देखो अथॉरिटी फॉर, अब देखो अथॉरिटी फॉर नहीं होगा, अथॉरिटी ऑन। देखो अथॉरिटी ऑन समथिंग होता है, मतलब जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, दैट इज अथॉरिटी ऑन। तो पतंजलि इज एन अथॉरिटी ऑन संस्कृत ग्रामर, आप भरोसा कर सकते हैं पतंजलि पर इस चीज़ में।
लेकिन अगर अथॉरिटी ओवर भी करेक्ट होता है दोस्तों, अथॉरिटी ओवर समवन कि मेरी तो इस पे अथॉरिटी है, आवर पेरेंट्स हैव अथॉरिटी ऑन अस, ठीक है, जब तक कि हम उनके साथ रहते हैं, पेरेंट्स हैव अथॉरिटी ओवर अस, हमारे ऊपर है उनकी अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी ओवर कैबिनेट मतलब हम पे राइट है, कैबिनेट पे राइट है उनका, और अथॉरिटी ऑन समथिंग मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ना आप लोग, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, पतंजलि इज एन अथॉरिटी ऑन संस्कृत ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम मुगल रॉयल्टी, मुगल रॉयल्टी के डिसेंडेंट है, उससे बिलोंग करता है। तो अब डिसेंडेंट ऑफ मतलब उसकी पर्सन या फैमिली का है वो, डिसेंडेंट मतलब उसका उस फैमिली का है वो, ठीक है। तो डिसेंडेंट फ्रॉम नहीं होता, डिसेंडेंट ऑफ होता है। अभी मैंने क्या बताया था, बॉर्न ऑफ होता है, नहीं याद तो दिखाते हैं आपको, चलो देखो, बॉर्न ऑफ मतलब किसी का बेटा, बताया था ना बेटा बेटी, ऐसे ही अब यहाँ पर बताती हूँ क्या बताया, डिसेंडेंट ऑफ, देखो ऑफ लगता है फैमिली के लिए। इस तरह से दिमाग में कंपैरिजन करके याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए इसको समझना और याद करना, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश का कोई वजूद ही नहीं है। आजकल के सभी पेपरों में ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है, यहाँ तक कि आपके क्लोज टेस्ट और PQRS में भी प्रीपोजिशन देख देख कर ही ऐसे सेंटेंस लिख देंगे, डिसेंडेंट से एक पी सेंटेंस आपका ख़त्म हो रहा है डिसेंडेंट पे, और एक आर सेंटेंस ऑफ से शुरू हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, आप डिसेंडेंट देखते ही, ऑफ देखते ही आप पी के बाद आर लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं लिटरली। मैं आपको एग्जाम्पल जब मेंस के टाइम हम PQRS करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना इजीली हमारे अगर ये चीज़ें हमें आती हैं तो हम कर पाएंगे। तो दोस्तों पसंद आए या पस मुश्किल लगे, लेकिन करना ही है, इसे घोट कर हमको पीना ही है, समझो और करो, ठीक है। डिसेंडेंट फ्रॉम, डिसेंडेंट फ्रॉम मतलब फ्रॉम प्लेस, कि ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम अलीपुर, ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम अलाहाबाद, तो जिस प्लेस से वो बिलोंग करता है वो वहाँ से, फ्रॉम ऐसे आ गया ना कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो आई बिलोंग फ्रॉम बोलते हैं ना, तो डिसेंडेंट फ्रॉम माने प्लेस को दर्शाता है ये। उसके बाद हमारा लगता क्या है, प्लेस, तो यहाँ पे क्या करेक्ट था, ही इज डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी, ये ऑफ होगा, अब ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, द शॉपकीपर डील्स विद कॉटन एंड क्लोथ, शॉपकीपर कॉटन एंड क्लोथ में डील करता है, तो ये कॉटन एंड क्लोथ क्या है, उसका बिजनेस होगा, है ना, तभी तो उसमें डील करता है, तो ये ट्रेड है उसका या बिजनेस है। तो जब भी बिजनेस की बात हो तो डील के साथ हमेशा क्या लगता है आपका, इन, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC ने जाने कितनी बार पूछ चुका है, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक है, डाई, ठीक है, ब्लाइंड, डील, एंग्री, ये ऐसे हैं कुछ कि इनके साथ ये फिक्स हैं, ये आते ही आते हैं, और इनको तो याद करना ही है, समझना भी है, याद भी करना है, देखते ही एकदम टिक लगना चाहिए, ऐसी हालत होनी चाहिए ये तीन चार के। तो डील इन मतलब ट्रेड, और डील विद मतलब एक, हाँ एक ये भी वर्ड है, पार्ट, पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है SSC के लिए, ये सब बताऊंगी मैं आपको एक एक करके। प्रीपोजिशन जब आपका, जिस दिन मैं कहूंगी ना प्रीपोजिशन खत्म हो गया, उस दिन आप समझ लेना कि उससे बाहर एक भी वर्ड आ गया तो मुझे मेल कर देना, ठीक है, एक एक वर्ड ढूंढ के दिखाऊंगी एक एक, चाहे पसंद आए ना आए। तो देखिए, डील इन ट्रेड होता है, डील विद पर्सन या सिचुएशन होता है, और डील आउट माने डिस्ट्रीब्यूट करना, याद करेंगे, डील आउट स्वीट्स, अगर मैंने कहा आई डील्ड आउट स्वीट्स मतलब मैंने मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करी, अगर मैं कहा आई हैव टू डील विद हिम या आई हैव टू डील विद दिस सिचुएशन, तो मतलब पर्सन या सिचुएशन से, और अगर आई डील इन क्लॉथ्स तो आई, तो मतलब मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन की जगह विद की जगह क्या होगा दोस्तों, इन होगा, तो द शॉपकीपर डील्स इन कॉटन एंड क्लोथ, एंड अब ये हो गया आपका एकदम करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर हैव यू बीन टू, आप वेयर हैव यू बीन टू मतलब आप कहाँ अब तक थे। तो देखो अब यहाँ पर ये बीन के बाद टू लगा दिया मैंने, नहीं ये टू हटेगा, वेयर हैव यू बीन होगा, क्यों, क्योंकि वेयर जो आपका है ना क्या बताता है, वो एक एडवर्ब बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब में पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तरह तरह के एडवर्ब्स होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब आप कहाँ थे अब तक, ये पूछना चाह रहा है।
तो यहाँ टू नहीं होगा। देखो मैं इसको सिंपल शब्दों में पहले समझाती हूँ। जैसे मैं कहूँ गो टू लंडन, लंडन जाओ, यहाँ पे गो टू सही है, लेकिन अगर मैं कहूँ गो टू देयर तो ये सही है? नहीं ना, ऐसे कहते ना कम हेयर गो देयर, कभी आप सुना कम टू हेयर गो टू देयर, गो टू हेयर कभी सुना? नहीं ना, क्यों नहीं सुना? क्योंकि गलत है, इसलिए नहीं सुना। तो अब अगर मैं इसी का इंटेरोगेटिव बनाऊंगी, वेयर हैव यू बीन, तो देखो ये अगर, या फिर अगर मैं कहती गो देयर यू हैव बीन, तो देयर के साथ टू लगता? नहीं। ऐसी वेयर के साथ भी वेयर हैव यू बीन टू लगेगा? नहीं। सिंपल होगा वेयर हैव यू बीन, क्योंकि वेयर एडवर्ब है यहाँ पर, और वो भी कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, कि वो कहाँ रहता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कहाँ रहता है? तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, बताइए। देखो दोस्तों यहाँ पर एट की जगह क्या होगा आपका, एट की जगह क्या होगा, इन होगा। क्यों? देखो अभी प्रीपोजिशन के रूल्स में बताऊंगी, इन बड़ी जगहों के लिए होता है, बड़ी जगह के लिए इन यूज़ करते हैं, एट हम स्पेसिफिक या छोटी जगह के लिए करते हैं। तो ही, अब दिल्ली आपकी बड़ी है, इंडिया आपका बड़ा है, लेकिन अगर मैं ये कहती ही लिव्स एट एट मुखर्जी नगर, एक सेकेंड, ही लिव्स एट मुखर्जी नगर, ठीक है, तो यहाँ एट आता इन दिल्ली, तो ये करेक्ट था, क्योंकि एट मुखर्जी नगर छोटी जगह है और इन दिल्ली बड़ा है। बट अगर मैं ये कहूँ कि ही लिव्स इन दिल्ली, इन इंडिया और इन एशिया, ये तीनों ही जगह बड़ी हैं, तो इन सब के आगे क्या लगेगा मेरा, इन इन इन। तो समझ गए आप, कोई छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए क्या दोस्तों, इन। तो यहाँ पर बड़ी जगह है दिल्ली, तो इन लगेगा, एट नहीं लगेगा। अब ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड ऑक्यूपाई माई सेल्फ विथ नो मोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस देन दिस। देखो आई वुड ऑक्यूपाई माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ विद नो मोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस देन विद दिस। देखो ऑक्यूपाई के साथ क्या होता है, विद और फिर नेम ऑफ समथिंग, तो ऑक्यूपाई विद नो मोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस। अब यहाँ पर बिजनेस बताया है, तो आई ऑक्यूपाई माई सेल्फ विद, ये ठीक है दोस्तों, तो कोई इसमें एरर नहीं है आपका। ठीक है दोस्तों, हाँ लेकिन इसमें एक चीज मैं मिस कर गई, यहाँ पे देन विद दिस नहीं होगा, देन दिस होगा सिर्फ, ठीक है ना। आई वुड ऑक्यूपाई माई सेल्फ विद नो मोर इम्पॉर्टेंट बिजनेस देन दिस होगा, हाँ अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही हैज़ नॉट बीन क्योर्ड फॉर दिस डिजीज। क्योर्ड मतलब उसे ठीक नहीं किया गया है इस डिजीज से, तो क्या होगा इसका आंसर, क्योर्ड ऑफ या क्योर्ड फॉर, अब ये बताना है। ठीक है देखो, क्योर ऑफ क्या होता है, डिजीज, अगर क्योर ऑफ के बाद नाउन लग जाए, यानी कि नाउन कैसा, डिजीज, तो ऑफ लगता है, लेकिन क्योर फ्योर क्योर फॉर वर्ब लगे तो फॉर लगता है, जैसे मलेरिया। अब देखो क्योर, ये डिजीज वर्ड यहाँ यूज हुआ है ना, तो क्योर्ड ऑफ होगा, ही हैज़ नॉट बीन क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज। बट अगर मैं मलेरिया कहती तो क्या होता, ही हैज़ नॉट बीन क्योर्ड फॉर समथिंग, फॉर एनी डिजीज। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, कि आप कहेंगे मैम डिजीज और मलेरिया तो सेम ही है, इसको एग्जाम्पल में जैसे बताती हूँ, ही हैज़ अ क्योर फॉर मलेरिया, ये मेरा मतलब है कहने का। क्या मतलब है, ऐसे समझिए, एग्जाम्पल ये मैंने बताया है, मलेरिया सिर्फ नहीं, ही हैज़ अ क्योर, अब देखो उसके पास एक क्योर है, तो फॉर मलेरिया, अब यहाँ फॉर करेक्ट है आपका। लेकिन अगर मैं डिजीज़ की बात कहूँ, तो ही हैज़ नो क्योर ऑफ डिजीज़, अब समझे आप, तो क्योर ऑफ डिजीज़ होता है, लेकिन जब ये वर्ब की तरह यूज़ हो जाए तो क्या होगा, फॉर लग जाएगा, ही हैज़ अ क्योर, अब ये वर्ब की तरह यूज हो गया, तो फॉर मलेरिया, अब ये हो गया आपका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या कहता है, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई टिल इवनिंग। अब हम रिप्लाई एक्सपेक्ट करें टिल इवनिंग, टिल इवनिंग नहीं होता, बाय इवनिंग बताया था, है ना दोस्तों, जैसे ऊपर पहले में बताया था ना, बाय नाउ बाय देन, ऐसी बाय इवनिंग होता है, तो अब ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, द फाइनल डिसीजन रेस्ट अपॉन द डायरेक्टर, जो फाइनल डिसीजन है वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, तो रेस्ट
अपॉन नहीं होगा, रेस्ट अपॉन माने पता है क्या होता है, रेस्ट अपॉन माने विश्वास करना। तो फाइनल डिसीजन डायरेक्टर पे विश्वास करता है? नहीं, फाइनल डिसीजन डायरेक्टर के ऊपर है, वो देंगे। तो रेस्ट अपॉन नहीं होता, रेस्ट विद होता है। देखो रेस्ट विद माने कोई फॉर्मल डिसीजन जो बताए, और रेस्ट अपॉन माने जो बिलीव करे या विश्वास करे। तो फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द डायरेक्टर, क्योंकि वो फॉर्मल डिसीजन देंगे, उनके पास अथॉरिटी है वो। नेक्स्ट पे आते हैं, द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज। दोस्तों बिलो और अंडर बड़ी कन्फ्यूजन होगी, प्रीपोजिशन में सारे बताऊंगी अच्छे से, लेकिन अभी एक मोटा मोटा सुन लो कि जो आपका बिलो है वो किसी कंपेयर से होता है। कंपेरिजन जब हो तो बिलो, और अंडर जब कोई कंपेरिजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब ये रिवर है आपकी, और ब्रिज से कंपेयर कर रहे हैं, ब्रिज इसके ऊपर बना है, तो एक कंपैरिजन है ना रिवर का ब्रिज से। तो क्या ये बिलो, बिलो अब क्या होगा, कंपैरिजन है या नहीं, आप बताइए। अब रिवर आपकी फ्लो कर रही है, उस पर ब्रिज तो आप बनाएंगे ही, तो ये कोई कंपैरिजन का पॉइंट नहीं है। कंपैरिजन तो ये होता कि मैं कहती, अगर मैं किसी एक रिवर का दूसरे रिवर से कंपेयर कर देती तो होता कोई कंपैरिजन, है ना दोस्तों। पर ये कंपैरिजन थोड़ी है, रिवर पे तो हम क्या बनाएंगे, ब्रिज है, ये कोई कंपैरिजन है नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, फ्लो बिलो, बिलो नहीं होगा, द रिवर फ्लोस अंडर द ब्रिज बिकॉज इट इज नॉट एन कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ही हैज बिन स्टडिंग फ्रॉम यस्टरडे। फ्रॉम स्टडी, देखो अब ही हैज बिन स्टडिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो फ्रॉम मैंने कहा था नहीं लगता, फ्रॉम सिर्फ किस में लगता है आपका, फ्यूचर। तो यहाँ पर तो ये प्रेजेंट है, तो सिंस हो जाएगा, वेरी सिंपल, ये तो अच्छे से आता होगा सबको। नेक्स्ट देखते हैं, द मैर डाइड, फॉर्म नहीं है ये, फ्रॉम है, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग एरर, फ्रॉम फीवर। ठीक है दोस्तों, अब देखो डाइड फ्रॉम फीवर नहीं होता, ये गलत है, डाई ऑफ डिजीज होता है, जैसे ऊपर क्या बताया था क्योर के लिए, देखो क्योर ऑफ डिजीज होता है ना, ऐसे ही डाई भी ऑफ होता है डिजीज के लिए। बहुत इजी है, इजीली याद हो गया होगा, तो डाई के साथ ऑफ लगता है, तो मार डाइड ऑफ फीवर होगा। देखो डाई ऑफ डिजीज होता है, डाई फ्रॉम कॉज, किसी कॉज से मरना, डाई फ्रॉम, और डाई इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए क्या होगा, इन। ये तीनों याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये डाई वाला एसएससी का फेवरेट है, तो ये हमेशा कंफ्यूज करता है, डाई ऑफ की जगह फ्रॉम लगा देगा, कुछ भी लगा देता है, डाइड इन भी लगा देता है, तो इस तरह से मिस्टेक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ही इज ऑन द टॉप ऑफ द क्लास। देखो ऑन द टॉप ऑफ द क्लास नहीं होगा, ही इज एट द टॉप होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी ने पूछा भी है कई बार। देखो ऑन का मतलब पता है क्या होता है, जब आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट हो किसी चीज पे, अगर कोई बुक आपकी टेबल पे रखी है तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि बुक टच कर रही है उसके सरफेस से। लेकिन अगर आप क्लास में टॉप करो तो आप टच थोड़ी कर रहे हो, आप तो पोजीशन में टॉप हो, तो अगर पोजीशन में टॉप होता है तो एट होता है, ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, इसलिए यहाँ एट लगेगा ना कि ऑन, क्योंकि कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, ही रश्ड एट माई रूम पैंटिंग फॉर ब्रेथ। पैंटिंग माने सांस फूल रही थी, सांस लेने के लिए ऐसे रूम में गया, ऐसे सांस फूली हुई थी, तो सांस अपनी गैदर करने के लिए, जिसे सांस आ जाए, वो रूम में भाग के गया, ही रश्ड एट माई रूम। अब देखो रूम में गया, देखो अगर हम रश माने भाग के जाना होता है, ठीक है, अगर हम किसी खुले खुले आसमान के नीचे जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, तो रश टू ओपन प्लेस होता है, लेकिन अगर हम किसी चार दीवारी के अंदर बंद चीज़ में जा रहे हैं, तो रश इनटू होता है, याद रखिए। तो ये कमरा क्लोज होगा, चार दीवारी में है, तो रश इनटू होगा, तो रश टू माने ओपन प्लेस, और रश इनटू माने क्लोज्ड रूम, तो रूम है यहाँ पर, इसलिए रश इनटू होगा ना कि रश एट होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिला है यहाँ पर या नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो बता दीजिए, नो नो परेशानी, बट अगर मिल रहा है तो मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए सबको, ताकि मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट, द कमेंटेटर सीम्स टू बी एनमर्ड बाय द कोट्स ऑफ शेक्सपियर है, ये ऐसे यहाँ मिस हो गया, तो एनमर्ड, एनमर्ड बाय कोट्स ऑफ शेक्सपियर, एनमर्ड के साथ क्या होता है दोस्तों, एनमर्ड ऑफ होता है, एनमर्ड ऑफ माने फॉन्ड ऑफ समथिंग, किसी के एकदम कायल हो जाना, तो कमेंटेटर जो है वो फॉन्ड है शेक्सपियर के कोट्स का, तो एनमर्ड ऑफ होगा,
एनमर्ड बाय कभी नहीं होता, इसको भी ऐसे याद कर लीजिए, एनमर्ड ऑफ यानी कि फॉन्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे एंडॉर्फ्ड के साथ मैंने क्या बताया था, नहीं याद आ रहा होगा अभी फिर से, देखो ये रहा, चाइल्ड इज एंडॉर्फ्ड के साथ यहाँ पर क्या था, बाई था, और मैंने क्या बताया था, विद बताया था ना, एंडॉर्फ्ड विद, सेम वैसे ही उसको याद करना था, और ऐसे ही एनमर्ड के साथ क्या बता रही हूँ आपको, ऑफ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द पुअर मैन इज बीसेट बाय डिफिकल्टीज, ठीक है, बीसेट बाय डिफिकल्टीज माने परेशान है, अब डिफिकल्टीज से जो पुअर है बेचारा, गरीब है, वो बहुत परेशान है, तो देखो बीसेट माने परेशान, और डिफिकल्टी आ जाए ना उसके आगे तो बीसेट विद होता है, बीसेट बाय नहीं होता, बीसेट विद डिफिकल्टीज माने परेशान, और अगर बीसेट बाय लगाते हैं तो बीसेट माने डाउट्स, तो पुअर मैन परेशान है, डाउट्स हैं उसके, बीसेट बाय माने होता है डाउट्स, और बीसेट विद मतलब परेशान यानी कि डिफिकल्टीज के लिए यूज होता है ये, तो यहाँ पर बीसेट विद होगा। नेक्स्ट, द वेदर वॉज नॉट वेरी कंजीनियल फॉर हिम, कंजीनियल फॉर नहीं होता दोस्तों, कंजीनियल टू होता है, तो उसके लिए जो वेदर थी कंजीनियल मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, उसके उसके प्रतिकूल नहीं थी, तो वेदर वॉज नॉट वेरी कंजीनियल टू हिम, ना कि कंजीनियल फॉर, जैसे फेवरेबल टू होता ना कि दिस इज फेवरेबल टू, यहाँ का एनवायरनमेंट फेवरेबल टू हिम, ऐसी कंजीनियल टू होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, कंजीनियल टू फेवरेबल टू, मतलब भी एक जैसे से ही है इनके काफ़ी हद तक। और देखो जैसे क्या होता है, एग्री विथ समवन, एग्री टू समथिंग, तो एग्री टू समथिंग, फेवरेबल टू, इस तरह से ऐसे इन वर्ड्स को इस तरह से बार बार बोला करिए, कंजीनियल टू, फेवरेबल टू, एग्री विथ समवन टू समथिंग, एंग्री विथ समवन अबाउट समथिंग, ऐसे ये याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, वी शुड अडेप्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, अडेप्ट आवर सेल्फ, देखो पहले तो अडेप्ट आवर सेल्फ, किसको अडेप्ट करोगे, चेंजिंग टाइम खुद को करोगे, और फिर टू लगता है, अडेप्ट टू होता है दोस्तों, अडेप्ट टू मतलब सुटेबल फॉर द डीड्स, कि सुटेबल बनाना खुद को, बदलते वक्त के साथ हम खुद को सुटेबल बना रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को उस तरह ढाल रहे हैं, तो टू लगेगा, अब तो यहाँ पर टू लग जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हिज फ्रेंड कंडोल्ड हिम ऑन हिज बिरीवमेंट, बिरीवमेंट पे उसके फ्रेंड ने उसे सांत्वना दी, सांत्वना दी, कंडोल किया, ठीक है, कहते हैं ना किसी की डेथ हो जाए, माई हार्टिएस्ट कॉन्डोलेंस टू योर फैमिली, तो मतलब कि जब हम किसी की डेथ होती है तो उनको उनके शोक में जब शामिल होते हैं तो कॉन्डोलेंस होता है, वहीं से कॉन्डोल आया है, तो डेथ पे हमने उसे क्या करा, कंडोलेंस दिया, तो कंडोल्ड, अब देखो कंडोल विद पर्सन होता है, जैसे कंसल्ट विद पर्सन होता है, मैंने उसके जैसे ही वर्ड्स यहाँ पर क्यों बताए, क्योंकि कंसल्ट आपको डेली यूज़ में आप यूज़ करते हो, ऐसे कहते हो ना यार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर, ये सबको पता होगा, लेकिन वही कंडोल आ जाए तो किसी को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने कंडोल के साथ वो वर्ड भी लिखा जो आपको ईजिली याद हो, कंडोल विद पर्सन, कंसल्ट विद पर्सन, ठीक है। तो हिज फ्रेंड कंडोल्ड विद हिम, कंडोल्ड विद हो जाएगा यहाँ पर, अब ये होगा करेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, द अप्रोच टू दिस पार्ट ऑफ द बुक इज सिमिलर विद दैट टू द अदर पार्ट, सिमिलर विद नहीं होता, सिमिलर टू होता है, ठीक है दोस्तों, सिमिलर टू होता है, इसे याद करें। अब आप सोचेंगे रिजेंबल के साथ भी टू होता है क्या, वो भी ऐसा है सिमिलर जैसा, बट रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ये रूल्स बताएंगे प्रीपोजिशन में, बिल्कुल टेंशन मत लें, बट रिजेंबल के साथ टू नहीं होता, ये भी एसएससी का काफ़ी फेवरेट है, इसलिए यहीं पे बता दिया, सिमिलर के साथ टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही हैज़ रिवर्टेड एट हिज फॉर्मर जॉब, वो अपनी पुरानी जॉब पे वापस रिवर्ट कर लिया उसने, अब देखो रिवर्ट एट नहीं होता, रिवर्टेड टू होता है, रिवर्टेड टू मतलब क्या होता है सुन लो, मतलब ये होता है कि उस जॉब पे वापस आना जो आपको पसंद नहीं है, तो ही हैज़ रिवर्टेड टू हिज फॉर्मर जॉब, मतलब अपनी जॉब पे वापस आ गया है पुरानी वाली पे, एट नहीं होता। नेक्स्ट, आई एम सिक विद एंटायर बिग बॉस एपिसोड्स, एकदम बकवास लड़ाई टाइम वेस्टेज एपिसोड्स होते हैं बिग बॉस के, और मैं उससे बहुत ही सिक हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, सिक का मतलब परेशान हूँ, तो क्या होता है दोस्तों, अब देखो सिक ऑफ समवन, सिक एट समथिंग, अब ये और सिक ये एपिसोड क्या है, कोई थिंग है, तो सिक एट होगा यहाँ पर, आई एम सिक एट,
सिक ऑफ माने आई एम सिक ऑफ माने किसी पर्सन, जैसे द गर्लफ्रेंड इज सिक ऑफ हिज बॉयफ्रेंड, सिक ऑफ हिज एक्स बॉयफ्रेंड. तो किसी पर्सन से सिक है तो ऑफ, किसी चीज से सिक है तो एट. सिक एट हर्ट मतलब अपने दिल में बहुत दर्द हो. सिक एट एपिसोड, एपिसोड से एकदम परेशान है. ऐसे घटिया एपिसोड जिनसे सिर्फ इंसान को गुस्सा और लड़ाइयाँ और बुराइयाँ करना ही आता है, ऐसी चीज़ों को तो एकदम बकवास होती है, देखना भी नहीं चाहिए इसे. पता नहीं क्यों देखते हैं अपनी TRP के लिए, लोगों को इतना प्रोवोक कर देते हैं ये लोग. सच अ बैड थिंग इट इज़. उसके अगर देखना है तो यार अच्छे गाने देखो, अच्छी मूवीज देखो, साउथ की कोई मूवी लगाओ. कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती है फैमिली को बाइंड करने वाली, और ये तो सब अलग करना, गाली गलौज. चलो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट बी पर्सनल. 40 पे आते हैं. देखो, दे फील दैट बाइंग थिंग्स डिस्पेंसेस ऑफ द नेसेसिटी टू प्रोड्यूस देम. वो ऐसा सोचते हैं कि चीज़ों को खरीदने से उनकी जो नेसेसिटी है प्रोड्यूस करने की, वो डिस्पेंस ऑफ हो जाती है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती. डिस्पेंस ऑफ माने हम जिसके बिना रह सकें, डिस्पेंस का मतलब ख़त्म हो जाती है, जिसके बिना हम रह सकें. तो अगर हम चीज़ों को खरीदते रहेंगे तो हमें उनको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मतलब है कहने का. तो देखो, अब नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्पेंस के साथ ऑफ नहीं होता, डिस्पेंस विद होता है. क्या होता है डिस्पेंस टू माने, क्या होता है किसी को कुछ देना. डिस्पेंस टू माने किसी को कुछ प्रदान करना. लेकिन डिस्पेंस के साथ अगर विद लगा दूँ तो टू डू विदाउट, मतलब जिसके बिना हम रह सकते हैं. तो यहाँ पर यही मतलब है, हम उसके बिना रहने लग जाएंगे तो डिस्पेंस विद होगा. ठीक है, याद करें डिस्पेंस विद. डिस्पेंस विद मतलब जिसके बिना हम रह सकें. और देखो नेक्स्ट, द ट्रूथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस. अपोजिट ऑफ नहीं होता, अपोजिट टू दिस. अपोजिट टू दिस होगा क्यों? ट्रूथ ट्रूथ है आपका, और ट्रूथ के अगर अपोजिट टू होता है, ट्रूथ इज जस्ट अपोजिट टू दिस. क्योंकि अपोजिट ऑफ अगर हो जाए ना दोस्तों, तो उसके बाद नाउन लगना चाहिए. यहाँ पर नाउन तो नहीं था, दिस इज नॉट अ नाउन हेयर. तो अपोजिट टू दिस होगा, सिंपल. द ट्रूथ इज जस्ट अपोजिट टू दिस. ही इज ब्लाइंड टू वन आई. वो एक आंख से अंधा है. अगर एक आंख से कोई अंधा होता है तो टू नहीं होता, ही इज ब्लाइंड इन वन आई. और ब्लाइंड टू पता है कब होता है? जैसे माँ होती है हमारी, हमारी सभी गलतियों के लिए हमेशा हमें माफ़ कर देती है, अनदेखा कर देती है हमारी गलतियों को. तो द मदर इज़ ब्लाइंड टू सन्स मिस्टेक, मतलब कि वो हमेशा अपने बेटे को सही ही मानती हैं, या अपनी बेटी को भी सही ही मानती हैं. तो टू लगेगा. और ब्लाइंड इन मतलब आँख से अंधा होना, एक आँख से खराब होना. तो यहाँ इन लगेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इन SSC, हर बार आता है, याद करें इसे. नेक्स्ट पे आते हैं, दीज डेज पीपल फॉल विक्टिम ऑफ डेंगू फीवर. आजकल लोग किसके विक्टिम हैं? डेंगू फीवर के. तो विक्टिम ऑफ पर्सन होता है, विक्टिम टू समथिंग होता है. बार बार मैं बता रही हूँ, टू समथिंग ही होता है, समथिंग के आगे टू ही लगता है. समथिंग समथिंग मतलब टू टू, ऐसे याद करो. तो दीज डेज पीपल फॉल विक्टिम, अब ये क्या है? कोई चीज़ है, ऑफ नहीं होगा, सम विक्टिम टू होगा. और विक्टिम ऑफ तो किसी पर्सन का होता है, द गर्ल फॉल विक्टिम ऑफ बॉय. ठीक है ना, अपनी चुपनी चुपड़ी बातों में फंसा ले अगर कोई लड़का, तो विक्टिम ऑफ होता है. लेकिन विक्टिम टू होगा क्योंकि यहाँ बुखार की बात हुई है, तो टू हुआ. नेक्स्ट पे आते हैं, डू नॉट ब्रैग ऑफ योर सक्सेस. ब्रैग मतलब ऐसे इतना खुशी मत मनाओ, इतना अपने आप को उछलो मत अपनी सफलता पे. तो ब्रैग ऑफ सही है दोस्तों, जैसे बोस्ट ऑफ भी होता है ना, अपनी अपनी डींगे मारना, बोस्ट ऑफ या बोस्ट अबाउट. ऐसी ब्रैग ऑफ या ब्रैग अबाउट दोनों ही करेक्ट होते हैं, गलत नहीं होता. अबाउट भी होता, डू नॉट ब्रैग अबाउट योर सक्सेस तो भी ठीक था, ब्रैग ऑफ योर सक्सेस भी ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन आज की हमारे इस सेशन का, द सीनियर मोस्ट वर्कर हेयर, ये डबल आर हटाओ, द सीनियर मोस्ट वर्कर हेयर इज अ मैन ऑफ अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड. तो इज अ मैन ऑफ हटा दीजिए, इज अ मैन अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड. देखो क्या होता है, या तो ऑफ 30 ईयर्स होता है तो ओल्ड नहीं लगता, ठीक है. अगर या फिर अगर 30 ईयर ओल्ड मैन कहोगे तो ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है. या फिर 13 ईयर, और यहाँ पे एस नहीं लगेगा दोस्तों, ध्यान रखना. और 30 ईयर्स होल्ड होता है यहाँ पर. क्या होता है, तीन चीज़ें समझ गए, या तो ऑफ 30 ईयर्स होता है, या 30 ईयर ओल्ड मैन होगा तो मैन लग जाएगा ओल्ड के बाद, और अगर हमको ईयर्स लगाना है तो 30 ईयर्स ओल्ड लगाएंगे. इन लास्ट दो के आगे ऑफ नहीं लगेगा, किन दो इन दोनों के आगे ऑफ नहीं लगेगा, सिर्फ ऑफ यहीं पर लग सकता है, ठीक है. तो क्या हो गया, हेयर यहाँ पर क्या था हमारा, 30 भी लगा था, ईयर्स भी लगा था, ओल्ड भी लगा था, तो ऑफ नहीं लगेगा. द हेयर इज अ मैन अबाउट, अबाउट लग जाएगा, ठीक है.
कि 30 साल के आसपास है, अबाउट है, मतलब आसपास है वो आदमी जो सीनियर मोस्ट वर्कर है हमारी यहाँ पर काम करने वालों में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको 45 क्वेश्चंस करा दिए इस सीरीज में, और बहुत सारे आपने 45 इन 45 में आपने 45 तो सीखे ही हैं, साथ में उसके जैसे और भी सीख लिए होंगे, तो अराउंड 50-55 आपने सीख लिए हैं। मैंने आपको इतने बता दिए, 55 के अराउंड, तो 55 के अराउंड कर लिए हैं दोस्तों। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, कंस्ट्रक्शन बहुत चलता है यहाँ पर, क्या करें, प्रॉब्लम है थोड़ी, और चलता ही रहेगा 2-3 महीने तक अभी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, इस वजह से पूरे दिन कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो प्लीज़, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि डिस्टर्ब ना हो आप लोगों को, और वीडियो आती रहे। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि आप ऐसे सेशंस और चाहते हैं या नहीं। आप चाहते हैं तो ऐसे सेशंस में आपको हफ्ते में 1 या 2 सेशंस देती रहूँगी ऐसे, ताकि जिसमें आपके फ्रेजल और प्रीपोजिशन आते रहें और आप अपनी तैयारी को गियर अप कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।